हाय गाइस, व्हाट इज अप। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिक के हेडफोन्स के बारे में, जो कि अल्ट्रा प्रो लिंक के हैं हेडफोन्स। और आज इन हेडफोन्स के हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और बताने वाले हैं कैसे हैं, क्या खास फीचर्स हैं इन हेडफोन्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे हमको फ्रंट पे लिखा हुआ मिलता है कि वायरलेस हाइब्रिड स्पीकर्स और हेडफोन, ट्विस्टेड मोड स्पीकर मोड, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेफ्ट पे आपको फ्लिक एंड पीछे आपको देखने को मिलता है कि इसकी रेटेड आउटपुट क्या है, ड्राइवर्स कौन से हैं, ब्लूटूथ वर्जन 4.2 एंड DC इनपुट 5 वोल्ट, और इसके साथ आपको यूजर मैनुअल एंड ब्ला 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 सब मिलता है। तो गाइस, बॉक्स को अनबॉक्स करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर ये देखने को मिलता है कि जो इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, अल्ट्रा प्रो लिंक का ये प्रोडक्ट है गाइस, फ्लिक हेडफोन्स का नाम है अगर आप देखना चाहो तो। फर्दर मोर और डिटेल्स मैं आपके लिए बाकी बाद में छोड़ ही दूंगा। और गाइस, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है ये पैकेजिंग, कुछ इस टाइप की पैकेजिंग गाइस। और हेडफोन्स की बात करो तो काफी हैवी वेट नहीं है, थोड़े नॉर्मल वेट है और काफी अच्छा भी लगता। ओह नाइस, ये मैकेनिज्म मुझे अच्छा लगा। सी दिस वन इज समथिंग। तो गाइस, बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो अच्छा है बिल्ड क्वालिटी, और हेडफोन्स भी ठीक हैं। अगर नॉर्मली बिल्ड के बारे में बात करो तो आपको लेफ्ट में, अगर आप बात करो तो लेफ्ट में यहाँ पे आपको बैक और फ्रंट और पॉज प्ले और कॉल का ऑप्शन दिया गया है। और अगर यहाँ पे बात करो तो गाइस ओवरव्यू के उस लुक में, तो यहाँ पे आपको ऑक्स केबल और चार्ज करने के लिए ये इनपुट दिया गया। ओह नाइस, यहाँ पे आप अपना माइक्रो SD कार्ड भी डाल सकते हो अगर आप उनको सुनना चाहते हो तो। और इन्होंने बताया कि अगर ऐसे करने के बाद इसका साउंड क्वालिटी अलग ही हो जाता है, तो हम गाइस वो भी देखने वाले हैं। अगर ओवरऑल इसकी क्वालिटी की बात करो तो ऊपर ब्रांडिंग है और लुक में भी काफ़ी कूल है, तो आई एम प्रेटी मच इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट बिल्ड क्वालिटी के तौर पे। बाकी प्राइस इसका 3,500 से 4,000 के समथिंग है, जो कि बॉक्स पे मेंशन है, वेबसाइट पे देख के बताना पड़ेगा कितना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप गाइस लेना चाहते हो इसको। तो इसके बारे में बात करेंगे गाइस, तो अभी देख लेते हैं बॉक्स के अंदर फर्दर और इन्होंने क्या दिया हुआ है। ओ ऐसे करके कुछ नाइस। तो यहाँ पे गाइज आपको केबल्स देखने को मिलती हैं, तो अगर आप केबल्स की क्वालिटी की बात करो, खास कुछ मुझे क्वालिटी लग नहीं रही है इसकी केबल की। ओक्स केबल की क्वालिटी अच्छी है गाइज, आप ओक्स केबल के थ्रू भी अपना फोन कनेक्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। बाकी मैं बताता हूँ ओक्स केबल और ब्लूटूथ इन दोनों के कंपेरिजन में कैसा करके बजता है अपने गानों के अंदर। तो ओक्स केबल को मैं निकाल लेता हूँ, ये चार्जिंग केबल है, चार्जिंग केबल तो जस्ट एक एवरेज केबल है। तो बाकी गाइज ये इसके बॉक्स में था, मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, कुछ और होना चाहिए, क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए थी। अगर आप इस केबल की क्वालिटी की बात करो तो केबल की क्वालिटी बस ठीक ठाक ही है, अगर मैं इसको खोलता हूँ और फिर देखता हूँ, क्योंकि चला के तो देखनी पड़ेगी गाइस इसके अंदर की बिल्ड क्वालिटी। आपका ब्लूटूथ पे ही अच्छा साउंड देता है या फिर नॉर्मली ये अच्छा साउंड देता है अगर मैं इसी की बात करूँ तो। तो गाइस सबसे पहले मैं अपना फोन, मेरे पास है ओनर प्ले जिसके ऊपर मैं काफी सारी चीजें करता रहता हूँ, और अब मैं यहाँ से अपना ब्लूटूथ वगैरह ऑन है मेरा ब्लूटूथ वाकई में, तो देखते हैं गाइस मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ इसका ब्लूटूथ एंड लेट्स सी कितना फर्क पड़ता है। यहाँ पे फ्लिक ऑलरेडी आया हुआ है मैंने, क्योंकि कनेक्ट करके देखा था, तो अगर उस तौर पे कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड ऑडियो दैट्स प्रीटी नाइस। अब गाइस मैं एक बार इसमें बजाता हूँ साउंड, ले फोन मैंने आपके सामने रख दिया है एंड इफ यू प्ले एनीथिंग नाइस। वाओ, ओ दैट्स कूल। अगर मैं इसको अपने कानों पे लगाऊं, वो दैट्स सिक, That's sick. Honestly guys, sick. Sound quality, अगर आप कोई जबरदस्त से सुनते हो तो it's amazing. I actually liked it on the first part, but let's see YouTube पे अगर मैं आपको common creative music चलाऊं। यहाँ guys मैंने ये run कर दिया है, अब आप देख सकते हो। Nice. सुना देता हूँ आपको। I think अब गाइस जो म्यूजिक इस हेडफोन की जो मुझे सबसे मस्त बात लगी वो ये थी गाइस कि जब आप इसको ऐसे रोटेट करते हो 180 के ऊपर एंड ये ब्लूटूथ स्पीकर की तरह काम करता है, एंड ये चीज बहुत ही मस्त लगी मेरे को इसकी। आप सुन सकते हो कुछ भी, ये चीज इसकी बहुत ही मस्त थी गाइस। और अगर आप इसको फिर से ऐसे रोटेट करते हो देन यू आर गुड टू गो विद दैट ब्लूटूथ मोड। और अब मैं अगर ओक्स की बात करूँगा, अगर आप ओक्स यहाँ पे लगाते हो तो क्या क्वालिटी आती है। लाइक अभी ओक्स है एंड यहाँ पे मेरा फोन है एंड इफ आई प्ले एनीथिंग,
तो गाइस अगर ऑक्स की बात करूं तो मैं आई एम प्रीटी मच इंप्रेस्ड विद दिस ऑक्स थिंग। तो गाइस अच्छी चीज ये भी है कि इसके अंदर एफएम भी है। दिस फीचर्स आर टोटली कूल। सो गाइस ये था इन हेडफोन्स के बारे में। तो आई होप आपको ये हेडफोन्स अच्छे लगे होंगे। And that's it for the video, guys. Thank you so much for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपके ओपिनियंस, आपको ये हेडफोन्स कैसे लगे और इसके फीचर्स कैसे लगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन पीस।